नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 22 जुलाई को श्रम संसाधन विभाग द्वारा आयोजित होगा जॉब कैंप। पुल निर्माण कंपनी एसपी सिंगला के ठिकानों पर ईडी ने की छापेमारी। विज्ञान केंद्र मून लैंडिंग दिवस पर शुरू करेगा नया शो। ऑनलाइन गेमिंग ऐप फ्रॉड में ईडी ने की ताबड़तोड़ छापेमारी। महिला एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला आज। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 22 जुलाई को श्रम संसाधन विभाग द्वारा आयोजित होगा जॉब कैंप। 22 जुलाई को शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए श्रम संसाधन विभाग द्वारा उसके कार्यालय परिसर में जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यह कैंप बिहार सरकार के तत्वावधान में अवर प्रादेशिक नियोजनालय दरभंगा के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस जॉब कैंप में 43 पदों पर भर्ती की जाएगी। जॉब कैंप में हिस्सा लेने के लिए अभ्यर्थी का 10वीं पास होना अनिवार्य है। वहीं उम्र सीमा 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष तक निर्धारित की गई है। जॉब कैंप के दौरान चयनित युवाओं को हर महीने 12,000 से 16,000 सैलरी प्लस पीएफ और ईएसआई दिया जाएगा। नियोजक द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को दरभंगा में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। विज्ञान केंद्र मून लैंडिंग दिवस पर शुरू करेगा नया शो। श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र की ओर से शनिवार को मून लैंडिंग दिवस पर एक नए शो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रदर्शन किया जाएगा। दर्शकों को पहले दिन यह निःशुल्क दिखाया जाएगा। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड से दैनिक जीवन में होने वाले प्रयोगों के बारे में दर्शकों को जानकारी दी जाएगी। शो करीब 30 मिनट का होगा। इस दौरान दर्शकों को 15 से अधिक प्रयोगों के बारे में जानकारी दी जाएगी। समय समय पर इसमें नए नए प्रयोगों को भी जोड़ा जाएगा। इसके बाद इसे दर्शकों की मांग पर प्रतिदिन दिखाया जाएगा, जिसके लिए लोगों को टिकट लेना होगा। पटना में 3 नए रूटों पर शुरू हुई सिटी बस सेवा। बिहार की राजधानी पटना में 3 नए रूटों पर सिटी बस सेवा शुरू की गई है। IGIMS अस्पताल के मरीजों को परिसर से ही पटना जंक्शन, दानापुर स्टेशन, बैरिया स्थित पाटलिपुत्र बस स्टैंड, राजेंद्र नगर टर्मिनल, इनकम टैक्स और गांधी मैदान आने जाने की सुविधा मिलेगी। इन जगहों पर जाने वाली अन्य सरकारी सिटी बसें भी अस्पताल परिसर स्थित स्टैंड में रुकेगी और यहीं से खुलेगी। इन बसों के लिए ई टिकट की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही चलो ऐप की मदद से यात्री बसों की लोकेशन को भी ट्रैक कर सकेंगे। पुल निर्माण कंपनी एसपी सिंगला के ठिकानों पर ईडी ने की छापेमारी। जानी मानी पुल निर्माण कंपनी एसपी सिंगला ग्रुप के खिलाफ ईडी द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। शुक्रवार को कंपनी के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। बिहार के पटना, हरियाणा के पंचकुला समेत अन्य शहरों में भी तलाशी ली गई है। पटना के बोरिंग रोड गंगा प्रोजेक्ट ऑफिस में ईडी के अधिकारी पहुंचे। बताया जा रहा है कि आईएएस संजीव हंस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में यह कार्रवाई की गई है। हालांकि ईडी अधिकारियों द्वारा इसकी अभी तक पुष्टि नहीं की गई है। नकली दरोगा को असली पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार की राजधानी पटना से फर्जी दरोगा पकड़े जाने का मामला सामने आया है। मामला गांधी मैदान थाना क्षेत्र का है। पटना के कारगिल चौक पर शुक्रवार को आम लोगों के बीच अपना ध्वज जमा रहे नकली दरोगा को असली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नकली दरोगा एक युवक से उलझ पड़ा था, जिसे देख वहां की ट्रैफिक पुलिस पहुंची। ट्रैफिक पुलिस के विवाद का कारण पूछने पर दरोगा जी ट्रैफिक पुलिस पर ही ध्वज जमाने लगे। वहीं जब वहां गश्ती कर रही गांधी मैदान थाने की पुलिस पहुंची तो नकली दरोगा वहां से भागने की फिराक में लग गए। तभी गांधी मैदान थाने की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि नकली दरोगा कई दिनों से घूम घूम कर अवैध वसूली का काम किया करता था। अब ब्रेडा में मृत कर्मियों के आश्रितों की अनुकंपा के आधार पर होगी नियुक्ति। अब अनुकंपा के आधार पर मृत कर्मियों के आश्रितों की नियुक्ति बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी ब्रेडा में की जाएगी। वित्त विभाग की तरफ से इसके लिए स्वीकृति भी दी जा चुकी है। अभी हाल ही में बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड स्थित सभा कक्ष में ब्रेडा प्रबंध समिति की बैठक हुई थी। इसकी अध्यक्षता प्रधान सचिव ऊर्जा विभाग से अध्यक्ष ब्रेडा संजीव हंस द्वारा की गई। इस बैठक में बताया गया कि ब्रेडा एक अभिकरण है जिसके कर्मी सरकारी सेवक नहीं है, लेकिन राज्य सरकार एजेंसी निगम और प्राधिकरण के अनुरूप ब्रेडा में अनुकंपा के आधार पर नियोजन होगा।
ऑनलाइन गेमिंग ऐप फ्रॉड में ईडी ने की ताबड़तोड़ छापेमारी। ईडी की कोलकाता इकाई ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप फाइवियन के जरिए ठगी के एक राष्ट्रीय स्तर के नेटवर्क का खुलासा किया है। इस नेटवर्क से जुड़े सभी लोगों या ठगी के कारोबार करने वाले विभिन्न शहरों में बैठे इनके साझेदारों के ठिकानों पर ईडी द्वारा दूसरे दिन भी छापेमारी की गई। कोलकाता से आई ईडी की विशेष टीम ने गुरुवार को बिहार में पटना के एक और बिहार शरीफ के चार स्थानों पर छापेमारी की। पटना के पौस इलाके बोरिंग कैनाल रोड स्थित बसंत बिहार कॉलोनी में एक अपार्टमेंट में सघन छापेमारी की गई। वहीं बिहार शरीफ में अंबेर चौराहा, गढ़ पर अस्पताल चौक और बड़ी पहाड़ी मोहल्ले में कार्यवाही हुई। इन सभी स्थानों से कई दस्तावेज के साथ पासबुक और मोबाइल, लैपटॉप, टैब समेत अन्य सामान बरामद हुए हैं। गया पुलिस ने जारी की 14 कुख्यात अपराधियों की लिस्ट, 7 लाख का इनाम किया घोषित। गया पुलिस द्वारा फरार चल रहे कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित किया गया है। इसे लेकर 14 अपराधियों की एक लिस्ट भी तैयार की गई है। इन अपराधियों में प्रत्येक पर 50,000 का इनाम भी रखा गया है। वहीं गया पुलिस द्वारा अपना मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है, जिससे कि आम नागरिक भी इन अपराधियों के बारे में सूचना दे सके। बता दें कि सभी अपराधियों को मिलाकर कुल 7 लाख का इनाम रखा गया है। ईडी के रडार पर आए संजीव हंस के करीबी। ईडी ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजीव हंस की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में अपनी जांच तेज कर दी है। अब मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही ईडी के रडार पर संजीव हंस के करीबी भी आ गए हैं। संजीव हंस के करीबी रालोसपा नेता सुनील कुमार सिन्हा को ईडी की टीम ने पूछताछ के लिए पटना स्थित क्षेत्रीय कार्यालय बुलाया है, जहाँ उनसे पूछताछ की जा रही है। बता दें कि पिछले दिनों आईएएस संजीव हंस के पटना स्थित आवास से लेकर दिल्ली और पुणे तक उनके ठिकानों पर ईडी द्वारा छापेमारी की गई थी और इस दौरान ईडी को संजीव हंस के घर से आय से अधिक संपत्ति से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए थे। जूनियर नेशनल पैरा एथलेटिक्स में नालंदा की नेहा कुमारी ने जीता गोल्ड मेडल। बिहार के नालंदा जिले की नेहा कुमारी ने 13वीं जूनियर सब जूनियर नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया है। जूनियर TF47 वर्ग की लॉन्ग जंप में नेहा ने यह उपलब्धि हासिल की। नालंदा जिले के इमामगंज की रहने वाली नेहा कुमारी के एक हाथ में कलाई नहीं है, जिस वजह से वह हॉकी प्लेयर नहीं बन पाई थी, मगर नेहा ने हार नहीं मानी और एथलेटिक्स में अपनी किस्मत आजमाने का निर्णय लिया और अपनी मेहनत से सफलता हासिल की। बता दें कि नेहा के एक हाथ में पंजा नहीं है, उनकी उंगलियां न होने के बावजूद वह डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल तक हॉकी खेली, मगर नेशनल में कुछ रूल की वजह से उन्हें सेलेक्ट नहीं किया गया था। ड्रैगन फ्रूट की खेती से लाखों का मुनाफा कमा रहे किसान। बिहार के किसान स्मार्ट खेती के जरिए लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं। बिहार के किशनगंज में किसान ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं और लाखों रुपए कमा रहे हैं। दरअसल किशनगंज के ठाकुरगंज नगर पंचायत के वार्ड नंबर 1 के रहने वाले नागराज नखत की किस्मत ड्रैगन फ्रूट की खेती ने बदल दी है। ड्रैगन फ्रूट की खेती के जरिए नागराज लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं और इलाके में किसानों के लिए आइकन बन चुके हैं। जसीडीह स्टेशन पर रुकेगी कई एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें। रेलवे द्वारा यह फैसला लिया गया है कि श्रावणी मेला के दौरान सभी मेल, एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें झारखंड के जसीडीह स्टेशन पर कम से कम 5 मिनट के लिए रुकेगी। कोलकाता राजधानी एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस, जनशताब्दी एक्सप्रेस, पूर्व एक्सप्रेस, गरीब रथ एक्सप्रेस, हम सफर एक्सप्रेस को छोड़कर सभी ट्रेनों का कम से कम 5 मिनट का ठहराव जसीडीह स्टेशन पर रेलवे द्वारा दिया गया है। इसके अलावा मेला अवधि के दौरान क्यूल जमालपुर डेमू स्पेशल का मार्ग विस्तार सुल्तानगंज तक किया जा रहा है। इसके साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे द्वारा पटना आसनसोल, सियालदह बनारस एवं गोरखपुर देवघर के बीच मेला स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा, जिससे कि बिहार समेत अन्य राज्यों से देवघर आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी। जीतन सहनी हत्याकांड मामले में दरभंगा एसएसपी ने किया बड़ा खुलासा। वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी काजिम अंसारी से दरभंगा पुलिस रिमांड पर लेकर फिर से पूछताछ करेगी। इसकी जानकारी दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी द्वारा प्रेस वार्ता कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हम न्यायालय से आरोपी को पुलिस रिमांड पर देने का रिक्वेस्ट करेंगे, ताकि आरोपी से फिर से पूछताछ की जा सके। वहीं इस दौरान उन्होंने बड़ा बयान देते हुए परिवार के लोगों पर भी शक जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि सभी संदिग्ध से पूछताछ चल रही है, जिसमें सहनी परिवार के सदस्य भी शामिल हैं। अयोध्या हार की खीज निकाल रही बीजेपी, योगी सरकार पर जमकर बरसी रोहिणी आचार्य। यूपी पुलिस द्वारा श्रावण मास में कांवड़ यात्रा के रूटों पर दुकानदार के नाम लिखने के आदेश पर उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में सियासत गर्म है। वहीं अब मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने यूपी की बीजेपी सरकार को अपने निशाने पर लिया है। रोहिणी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में अयोध्या की सीट हारने की
की खींच निकालने के लिए यूपी सरकार इस तरह के फरमान जारी कर रही है। बीजेपी अपनी खिसकती जमीन की हताशा में मुसलमानों के आर्थिक बॉयकॉट के उद्देश्य से घृणित आदेश जारी कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि धर्म की गलत व्याख्या के साथ समाज एवं देश में धार्मिक विद्वेष, नफरत एवं उन्माद का जहर घोलना ही बीजेपी की फितरत और राजनीति रही है। महिला एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला आज। भारत और पाकिस्तान के बीच मैच को लेकर फैंस के बीच अलग ही क्रेज देखने को मिलता है। 9 जून को भारत और पाकिस्तान की टीमें T20 वर्ल्ड कप 2024 के दौरान भिड़ी थी। वहीं एक बार फिर भारत और पाकिस्तान क्रिकेट मैदान पर आमने सामने होगी। महिला एशिया कप की शुरुआत 19 जुलाई शुक्रवार से होने जा रही है, जिसमें पहला ही मैच भारत और पाकिस्तान के बीच दाम्बुला में खेला जाएगा। 7 बार की चैंपियन टीम इंडिया 8वीं बार चैंपियन बनने की कोशिश में है। इस बार एशिया कप की मेजबानी करने का मौका श्रीलंका को मिला है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है वरुण कुमार, सादुल्लाह पालवी, राजकिशोर महतो, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, रंजीत मिश्रा, राकेश मिश्रा, मोहम्मद इरफान, रवि कुमार राम, मोहम्मद असगर कमाल, उमेश ऋषिदेव, मोहम्मद साकिर हुसैन, राम बाबूदास, मोहम्मद यासीन शेख, विजेंद्र सिंह, पूनम लता, अनवर करीम खान, जितेंद्र ठाकुर, गोनर शर्मा, सोनू कुमार, संजीव कुमार, बाबुल मरांडी, नंद कुमार सिंह, वेद प्रकाश सिंह, नौसाद रजा, छोटू रजा, संजीव कुमार। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, महिला एशिया कप में आज भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले में किसका पलड़ा भारी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।